हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे खीर और मालपुआ जो कि सावन के महीने में बनाया जाता है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ खीर के लिए चावल जो मैंने 10 मिनट के लिए भिगो के रख दिए थे। ये चावल जो तोड़े हुए होते हैं ना, टूटे हुए होते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, वो चावल हैं। इसको हम खीर वाले चावल भी बोल सकते हैं, आप कहीं से भी ले सकते हो। इसको पहले मैंने भिगो दिया था थोड़ी देर के लिए ताकि जल्दी बन जाए। और यहाँ पर मैं एक बर्तन में ले लिया है दूध, दूध उबलने के लिए रख दिया है। जब इसको उबाल जाएगा आ जाएगा तभी हम इसमें चावल जो है वो डालेंगे। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा दूध है वो उबलने लगा है। अब मैं इसमें डालूँगी वो चावल। पहले मैं यहाँ पर इलायची डाल रही हूँ, 2 इलायची। आप सिर्फ इलायची के दाने भी डाल सकते हो, इलायची पाउडर भी डाल सकते हो, क्योंकि इससे जो खीर का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। यहाँ पर मैंने 2 इलायची डाल दी थी। आप देख सकते हो कि जो गैस है उसको मैंने स्लो कर दिया है ताकि जो दूध है वो बाहर ना आए। अभी मैं इसमें चावल डाल रही हूँ। आप ना ये चावल किसी भी दुकान से ले सकते हो, इसको खीर वाले चावल हम बोल देते हैं। अगर आप वनस्पति चावल की खीर बनाओगे तो वो इतनी अच्छी नहीं बनती जितनी अच्छी इन चावल की बनती है। आप देख सकते हो कि जो सारे चावल थे वो मैंने डाल दिए हैं, पानी को मैंने निकाल दिया था क्योंकि पानी हम नहीं डालेंगे इसमें। अब इसको मैं ढक दूँगी गैस को स्लो करके ताकि ये धीरे धीरे बन जाए। अब देख सकते हो 10 से 15 मिनट बाद जब हम देखेंगे तो ये ऐसी बन जाएगी। जो दूध में जो चावल डाले थे वो फूल चुके हैं। अब मैं इसमें डालूंगी चीनी, टेस्ट के अनुसार जितनी आप खाते हो, जितना मीठा आपको चाहिए आप उतनी डाल सकते हो। अब यहाँ पर मैं इतनी ले रही हूँ, एक छोटी कटोरी के जितनी। अब इसको हिला दूंगी बस। अब हम गैस बंद कर देंगे और इसको ढक के रख देंगे क्योंकि जो खीर है वो हमारी बन के तैयार हो चुकी है। अब थोड़ी देर के लिए ढकने के बाद अब आप देख सकते हो कि आधे घंटे बाद जो खीर है वो बिल्कुल ही हमारी बन चुकी है। गैस को मैंने बंद कर दिया था और ढक के रख दिया था। आपको देखने से ही पता चल चुका है कितनी अच्छी बन रही है। यहाँ पर मालपुए के लिए मैंने एक बर्तन में पानी ले लिया है और गुड़ को छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया है। अब मैं इस पानी में इस गुड़ को डालूँगी और इसको मैं गैस पर रखूँगी ताकि जो गुड़ है वो हमारा घुल जाए अच्छी तरह से, क्योंकि मालपुए गुड़ से ही बनते हैं। अब आप देख सकते हो कि थोड़ी देर बाद जो हमारा गुड़ है वो घुल चुका है, सिर्फ थोड़ा सा ही बाकी है। इसको भी हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसको अच्छी तरह से वाल लगा गया है। इसको मैं हम नीचे उतार लूँगी ठंडा होने के लिए। अब 10 मिनट बाद ये ठंडा हो गया। अब मैंने एक बर्तन ले लिया है और छन्नी ले ली है ताकि इसको भून लें हम, क्योंकि इसमें ना थोड़ा सा कचरा होता है, गुड़ में थोड़ा बहुत ही होता है, इसलिए इसको भून लेना चाहिए। अब मैं इसमें डालूँगी मैदा। मैदा आप थोड़ा थोड़ा डालते जाइए, एक बार में ही आप इकट्ठा मैदा डाल दोगे तो उसकी जो गांठ होती है वो बन जाती है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा मैदा डाल रही हूँ। और मैदे के साथ इसमें मैं डालूँगी सूजी ताकि जो हमारे मालपुए हैं वो थोड़े से क्रंची भी बने साइडों से और बिल्कुल फूले फूले बनेंगे। आप देखना, आप देख सकते हैं इसको मैं अच्छी तरह से मेल्ट कर रही हूँ। आप हाथ से भी कर सकते हो। अब मैंने इसमें डाल रही है सूजी, सिर्फ आधी कटोरी सूजी मैंने ली थी। अब सौंफ डालिए थोड़ी सी और थोड़े से मैं कुटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालूंगी जिसमें कि काजू और बादाम थे, वो बिल्कुल बारीक पिसे हुए थे, वो मैंने डाले थे 2 चम्मच सिर्फ। आप डाल नहीं भी डाल सकते, स्किप कर सकते हो, लेकिन जो सौंफ होती है वो पेट के लिए अच्छी होती है, आपको ज़रूर डालनी चाहिए। और मालपुए का टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा बैटर है वो तैयार हो चुका है। बस थोड़ा सा मैदा मैं और डाल लूँगी
क्योंकि मुझे थोड़ा सा पतला लगा ये। अब इसको अच्छी तरह से घोल लूँगी। अब मैं इसको ढक के रख दूँगी रेस्ट पर। आप आधे घंटे के लिए रख सकते हो, लेकिन आप जितना ज़्यादा रखोगे उतना ही आपका बैटर अच्छा होगा, जो सूजी है वो फूल जाएगी। और यहाँ पर मैं एक बर्तन ले रही हूँ आधे घंटे बाद, उसमें मैंने डाला है सरसों का तेल। अब इसको मीडियम फ्लेम पर हम गरम करेंगे, ज़्यादा भी नहीं गरम करना। अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा बैटर है वो तैयार हो चुका है, ना ही गाढ़ा है और ना ही पतला है। और यहाँ पर जो हमारा ऑयल है वो बिल्कुल गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें डालूँगी जो हमने बैटर बनाया है मालपुए के लिए, बिल्कुल हमने सेंटर में ही डालना है। अब जो आपको जितना बड़ा मालपुआ चाहे चाहिए आप उतना डाल सकते हो। फ्रेंड्स, जो पहला मालपुआ होता है वो ऐसा ही बनता है, लेकिन जब हम दूसरी बार बनाएंगे तो आप देखना कितना अच्छा बनेगा। पहला तो आपको पता है कि जो ऑयल का टेम्परेचर है वो ही नहीं सही होता, लेकिन फिर भी ये बहुत ही फूल चुका है, आप देख सकते हो। इसको ना हम मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे ताकि ये बीच में से अच्छी तरह से पक जाए। आप देख सकते हो कि ये कितना ज़्यादा सॉफ्ट है। अगर हम सूजी डाल के बनाएंगे तो इतने सॉफ्ट मालपुए बनेंगे। आप एक बार घर में ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, सावन के महीने में तो हर कोई बनाता है। आपको वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा पहला मालपुआ है वो बन के तैयार होने ही वाला है, बस थोड़ा सा नीचे से कच्चा था, थोड़ा सा हम पका लेंगे और फिर इसको निकाल लेंगे। अब मैं इसको निकाल लूँगी। इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल हम निकाल देंगे ताकि बीच में ऑयल ना रहे। आप देख सकते हो इसको अच्छी तरह से निकाल देंगे हम। और यहाँ पर अब मैं बनाऊँगी दूसरा मालपुआ, क्योंकि अब जो ऑयल का टेम्परेचर था वो भी बिल्कुल सही हो गया है मालपुए के लिए। अब आप देख सकते हो कि जो हमारा दूसरा मालपुआ है वो कितना अच्छा बन रहा है, बिल्कुल एकदम फूला फूला बन रहा है और थोड़ा बड़ा भी है। पहले तो आप कोई भी चीज़ डालोगे ऑयल में तो ऐसे ही बनती है, थोड़ी सी हार्ड बनती है, लेकिन दूसरी से सही हो जाती है। जब ये नीचे से पक जाएगा तभी हम इसको पलटेंगे। एक्चुअली यहाँ पर जो पैन है वो मैंने थोड़ा सा छोटा इसलिए लिया है क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं बना रही, सिर्फ थोड़ी सी बना रही हूँ। आप बड़ा पैन यूज़ कीजिएगा, जो कढ़ाई होती है वो यूज़ कर सकते हैं। अब आप देख सकते हो कि जो ये मालपुआ ये कितना सॉफ्ट बन रहा है, इसको अब हम पलटेंगे। ऐसे ऐसे ही मैं सारे मालपुए जो हैं वो तैयार कर लूँगी। लेकिन ये मालपुआ एक टाइम पर हम एक ही डाल सकते हैं, इसलिए मैंने छोटा पैन ले लिया है। एक्चुअली सूजी डालने से ये बहुत ही क्रंची बनता है। आप देख सकते हो कि मैंने पलटा है तो ये कितना सॉफ्ट है, ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट ही बनते हैं। अब ये मालपुए बनके हमारे तैयार हो गए और इसको हम खीर के साथ सर्व करेंगे। बरसात के मौसम में तो ये और भी अच्छे लगते हैं।
अब मैं इसको प्लेट में निकालूंगी। आप देख सकते हो कि कितना सॉफ्ट बना है और कितना अच्छा बना है। आप भी प्लीज़ एक बार ऐसे ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। बाय फ्रेंड्स।